गुड इवनिंग एवरीवन। ये वेस्ट 6400 मॉडल कंट्रोलर है, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है। इसका प्रोग्रामिंग कैसे होगा मैं आज बता रहा हूँ। ये यूके की कंपनी का कंट्रोलर है। ये रन बटन है, ये डाउन की है, ये अप की है और ये एंटर बटन है। तो प्रोग्राम करने के लिए पहले हम एंटर को वन टाइम प्रेस करेंगे, एसपी आएगा, उसके बाद प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम वन आएगा। ऐसे इसमें चार प्रोग्राम है, अप एंड डाउन की से आप चेंज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 3, 2, 1। तो हमें वन प्रोग्राम में जाना है तो हम अप और एंटर साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे, एक साथ दोनों प्रेस करेंगे। ऐसे ब्लिंक आएगा, प्रोग्राम काउंट एंड। अगर प्रोग्राम में जाना है तब प्रोग्राम के समय प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाना तो कॉन्फ़िगरेशन के समय प्रेस करेंगे और एंड के समय बाहर प्रेस करेंगे। तो वेट करेंगे, जब प्रोग्राम आएगा तब हम प्रेस करेंगे। तो ऐसे रैंप रेट आ जाता है 0-1 आवर। पहला रैंप रेट जो भी चाहिए आपको, मिनट्स आवर दोनों में है। ये ऑप्शन बाद में पूछता है, तो पहले जिसमें सेट करना है वो लास्ट में आपको चेंज हो जाएगा। जैसे मिनट्स में सेट करना है तो सब मिनट्स में होगा, आवर में सेट करना है तो आवर्स में होगा। तो हम मिनट्स में सेट करेंगे। पहला रैंप रेट 5 डिग्री, रेट ऑफ फिटिंग, फाइनल टेम्परेचर 45। उसके बाद अगर होल्ड नहीं करना है तो रैंप रेट ऐसे वैल्यू आता है, रैंप को डाउन करके वन की में हम ड्यूल कर सकते हैं, यहीं से एंड कर सकते हैं। तो अभी हमें 45 डिग्री को होल्ड करना है तो हम इसको आर वैल्यू को 0 करते ही ड्यूल हो जाता है। फिर एंटर करेंगे तो टाइम पूछता है, ये हमें 12 मिनट्स हमें होल्ड करना है। फिर एंटर करेंगे, थर्ड रैंप रेट पूछता है। थर्ड रेट में हम 10 डिग्री रेट ऑफ हीटिंग है, फाइनल टेम्परेचर हम 80 डिग्री सेट कर दिए। क्योंकि मैं सेंसर अभी इसका नहीं लगाया हूँ इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो, केवल 80 डिग्री मैंने सेट कर दिया। ठीक है सर, इसके बाद हम एंटर करेंगे। थर्ड अगर होल्ड करना है तो फिर हम आर वैल्यू को 0 करते ही ड्यूल हो जाएगा, ये ड्यूल हो जाएगा और ड्यूल से नीचे प्रेस करते एंड हो जाएगा। तब हमें ये 16 सेगमेंट का प्रोग्राम है, अगर हमें एंड करना है तो हम डाउन की को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। एंड के बाद हम एंटर करेंगे तो साइकिल पूछता है कितनी साइकिल प्रोग्राम चलाना है। अगर 2 यहाँ प्रेस कर सेट कर दिए तो 2 टाइम साइकिल प्रोग्राम चलेगा, तो 1 सेट किया हमने। फिर यही पूछता है बेस आवर या मिनट्स, चेंज बाई अप एंड डाउन की, ये मिनट्स का हो गया, ये आवर्स का हो गया, दो ऑप्शन है अप एंड डाउन से। तो चूंकि हम मिनट में सेट किए तो मिनट सेव करेंगे। ईवन के वैल्यू को डोंट डिस्टर्ब, इसको कुछ नहीं करना, बस एंटर प्रेस करके आगे चले जाना। उसके बाद लॉक 0 रखना है, अगर यहाँ कोई भी आप लॉक डालते हो तो फिर वो ओपन करते समय पूछता है, तो हम लॉक 0 ही रखेंगे। और यहाँ से फिर हम वैसे ही जैसे एंटर किए थे प्रोग्राम में वैसे ही हम बाहर आएंगे, अप एंड एंटर साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे, एंटर एंड अप एक साथ प्रेस किया। अब यहाँ जब प्रोग्राम एंड आएगा तब हम प्रेस करेंगे ताकि प्रोग्राम से बाहर आ जाएं। उसके बाद रन करने के लिए हम रन बटन को प्रेस करेंगे, 2 टाइम्स प्रोग्राम रन का ऑप्शन आ गया। अब MCB ऑन कर देंगे, हीटिंग आपका चालू हो जाएगा। ऑफ़ करना है तो रन बटन को 3 सेकेंड प्रेस करके रखेंगे, लाइट ब्लिंक होगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। देखिए रन ऑफ हो गया, रन ऑन हो जाएगा, ऐसे रन ऑफ करना ऐसे हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।